वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या, आवारा पशुओं से वाहन चालक परेशान। वाशिम में 3 नए संक्रमित मिले। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव जसिया में एक ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या की वारदात को मृतक के घर में घुसकर ही अंजाम दिया। सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि युवक का शव खून से लथपथ कमरे में पड़ा मिला। मामले की सूचना परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों टीम मौके पर पहुंचकर शव की जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी खबर, वाशिम शहर के मुख्य चौराहे के साथ अनेक क्षेत्र में इन दिनों आवारा पशुओं के आवागमन से सभी नागरिक त्रस्त हो गए हैं। सड़कों के बीचों बीच इन मवेशियों का बैठना, गलियों से मुक्त संचार करना, एक दूसरे से लड़ते हुए यातायात में बाधा पहुँचाना अब यहाँ पर आम बात हो गई है। अधिक बार ये जानवर आपस में भिड़कर वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिला, बच्चों, वृद्ध को सड़कों पर अकेला चलना खतरे से कम नहीं हो रहा है। इस कारण से महिला, बच्चे, वृद्ध में भय की स्थिति निर्माण हो गई है। तीसरी खबर, वाशिम जिले में सोमवार 13 सितंबर को प्रशासन की ओर से देर शाम प्राप्त संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट में जिले में 5 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज व 3 मरीजों की वृद्धि हो गई है। संक्रमित मरीजों में वाशिम शहर व तहसील के निवासियों का समावेश है। अब जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 41,735 तक पहुँच गयी है। इस दौरान जिले में विविध कोविड केयर सेंटर से उपचार के बाद ठीक होने पर 5 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक जिले में 41,084 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक कोरोना वायरस से 638 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर है कि इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।